हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है उससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको उसके कुछ सिम्टम्स बताऊंगा। एंजाइटी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है और एंजाइटी से पीड़ित व्यक्ति या कोई भी पेशेंट अगर एंजाइटी से पीड़ित है तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस महसूस करता है। अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को एंजाइटी का अटैक आता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उसको ऐसा लगता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको ब्रीथ नहीं आ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि उसका दिल धड़कना बंद कर देगा या तो उसका दिमाग उसका साथ छोड़ देगा। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि उसका दिल फट जाएगा क्योंकि एंजाइटी का अटैक उसको अंदर से इतना महसूस करवाता है। एंजाइटी का अटैक अगर कभी भी आता है किसी भी पेशेंट को तो उसके माइंड में रिपीटिवली नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, क्योंकि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी का अटैक आता है तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और वही नेगेटिव थॉट्स उसके एंजाइटी को 100 गुना बढ़ा देते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरी मदद करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ भागता है। अगर किसी जगह पे है तो बाहर भागता है। अगर कभी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो चिल्लाता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जमीन पे गिर के छटपटाता है। एंजाइटी का अटैक उसको अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट या बेचैनी भरा कर देता है और इसलिए वो एंजाइटी के अटैक में एक फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो फोबिया उसको बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी कर देता है और वो चिल्लाने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी अटैक के। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको एंजाइटी से रिलेटेड कुछ जानकारियां दी हों। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।